हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा प्यारे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कान्हा जी की छोटी सी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान पोशाक बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं, ये देखिए येलो और ब्लू कलर के कलर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे शुरू करेंगे। मैं चोली से शुरुआत बता रही हूँ आपको, तो इसलिए ये देखिए इस तरीके से ये चार नंबर के कान्हा जी के लिए मैं बना रही हूँ। इस तरीके से क्रोशे का करेंगे, चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह 19 और ये 20 चेन लेने के बाद हमें से तीन को स्किप कर देंगे, 1 2 3 ये तीनों को स्किप करने के बाद चौथे में हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार और ये दो बार, ये दो हो गए हमारे। ये देखिए चेन को हम एक डबल क्रोशिया ही गिनेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये देखिए इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस, ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये टोटल मेरे 18 डबल क्रोशे हो गए हैं। 18 डबल क्रोशे को मैं तीन चैन लूँगी, देखिए, और इसको पलटेंगे, फिर दोबारा हम इसी में डबल क्रोशा करेंगे, इसी में दोबारा डबल क्रोशा करेंगे। ये देखिए दोबारा एक ही चैन में हम दो दो डबल क्रोशे को करना है। ये देखिए इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस, ये डबल क्रोशिया हमारा हो गया है। इसमें 18 का डबल 36 हो गया है, ये 36 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो नीला धागा लिया है, ऊन लिया है हमने, इसको हम इसमें जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसमें गांठ लगा देंगे और इसको इधर डबल क्रोशिया की तरह, सॉरी सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे, हर किसी में सिंगल क्रोशिया करेंगे ताकि हमारी बाजू पे हमें दोबारा ये डिज़ाइन करना ना पड़े, हमारी बाजू का डिज़ाइन भी इसमें ही आ जाएगा। ये देखिए पूरे में हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। ये पूरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इसको। देखिए गाइस, ये मेरी सिंगल क्रोशिया की रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने देखिए एक चैन ले ली है, यहाँ पे एक चैन लेने के बाद इसको हम, ये जो हमारे आगे की चोली का डिज़ाइन है, इसको हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसी में दोबारा करेंगे इस तरीके से, फिर दूसरे वाली इसमें यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। ये देखिए एक बार और ये हो गया हमारा दो बार। इसको हम एक चैन ले लेंगे, एक चैन लेने के बाद इसी में हम दोबारा सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये दो को हम स्किप कर देंगे और इसके बीच में यहाँ पर हम इसे इस तरीके से
ये देखिए गाइस, इस तरीके से इसका कोना भी बन जाएगा ये हमारा, और ये हम इसमें डबल करके ये देखिए इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच करते जाएंगे। एक दो को छोड़ देंगे, दो को छोड़ने के बाद ये देखिए इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, दो बार एक ही जगह करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। दो को छोड़ेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, दो बार करेंगे सिंगल क्रोशिया को, तो ये हमारे को दोबारा इसमें ऊन को करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। आगे मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसे ऊन को तोड़ेंगे नहीं और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे की रो बनानी है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये देखिए इस तरीके से हम इस जो हमारे ये पीली वाली ऊन है इसको हम इसके इस वाले धागे इस वाली ऊन को हम यहीं पर छोड़ देंगे और इस वाली में हम इसे क्रोशे को फंसाएंगे और इसको हम पीले वाली ऊन को दोबारा वापस लेके देखिए इस तरीके से लेकर इसको इसमें टच कर देंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेने के बाद हमें सब में छः 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 आगे बनाएंगे। एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, तीसरा ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा, चौथा ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा, टोटल हमारे पे चार हो गए हैं और ये पांच हो गए, इधर हमारे छः। छः डबल क्रोशिया करने के बाद हमें एक दो तीन चार पाँच छः, छः को हमें स्किप कर देना, मतलब छोड़ देना है, और सातवें वाले में हमें इसे डबल क्रोशिया कर देना। ये देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः और सातवें वाले में हमने इसे डाल दिया है। तो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, ये बारह हो गए हमारे यहाँ पे। इधर हम गिन लेते हैं कि कितने हमारे रह गए हैं इधर। ये एक हमारे जो डबल क्रोशिया बना है इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। तो इस तरीके से हमें देखिए एक दो तीन चार पाँच छः को हटाकर सातवें में हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। ये हमारी बाजू बन गई और दो तीन चार पाँच और ये छः, क्योंकि हमने इसे डबल क्रोशिया इसमें हमने ब्लू कलर की ऊन लगाई है ना, तो इसमें ये हमारा इस तरीके से इसको हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए और चोली कितनी सुंदर तैयार होगी हमारी, ये देखिए इस तरीके से हमारी चोली तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाएगी, यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने इसे जॉइंट कर दिया, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। जो हमारी ये ब्लू कलर का ऊन है इसको हम ये देखिए ब्लू कलर के जो ऊन है हमारी इसको हम इससे स्लिप स्टिच करते जाएंगे यहाँ पर, जैसे हमने नीचे
साइड में क्या है, तो साइड में हम ऐसे ही इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर छोड़कर इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए एक और ये दो। अब इसको इधर जॉइंट करके ये देखिए इस तरीके से, और इसको ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारी चोली पूरी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस ऊन को हम अंदर के साइड इसका इस तरीके से अंदर की साइड हम इसे अंदर टाँकों के साथ अंदर को ले लेंगे ताकि ये हमारे को बाहर ना निकले, इसलिए ब्लू से ब्लू ही कलर इसके बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस ऊन को हम इसी में सेट कर देंगे ताकि हमारी ऊन हमें, ये देखिए कितनी सुंदर चोली तैयार हुई है। अब मैं डिज़ाइन बनाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे चेन ले ली, एक दो और ये तीन, तीन चेन होने के बाद हमें इसी में हमें डबल क्रोशिया करना है हाफ। ये देखिए इस तरीके से, और दोनों को एक साथ ले लेना है। एक चेन लेनी है, दोबारा दूसरी चेन में हम जाएंगे। ये देखिए इसमें दूसरे में दूसरी चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इसी में दोबारा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए और फेस को हम जोड़ देंगे, एक चेन लेंगे, तीसरी चेन में जाएंगे, हाफ क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, पूरा नहीं लेना है, और दोबारा फिर इसी में इसी चेन के अंदर हमें दोबारा करना है। इस तरीके से करने के बाद ये देखिए ऐसे ही हम इसे बनाते हुए जाएंगे। चेन ले ली, हाफ क्रोशिया करा, दोबारा इसी के अंदर चेन लेके हाफ क्रोशिया करा। ये देखिए तीन हो गए हमारे, तीनों को एक साथ ले लेना है, चेन लेनी है। इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैंने जॉइन कर दिया इससे। अब ये मैं नीला कलर लूँगी इससे, तो नीले कलर को अब हम इससे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे जॉइन कर देंगे इसमें इस तरीके से, एक दो और ये तीन चेन लेने के बाद ये जो हमारी चेन है इसके अंदर हम तीन डबल क्रोशे करेंगे, दो तीन। ये देखिए तीन हो गए। ये देखिए गाइस तीन हमने डबल क्रोशे ले लिए हैं एक ही में। अब ये जो हमारी ये चेन है इसके अंदर हम देखिए ये वाली, इन वाली चेनों में जो हमने ये चेन ली है इधर हम तीन तीन डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे, एक दो तीन। ये देखिए इस तरीके से तीसरी में भी हम जहाँ हमने चेन ली है वहाँ पर तीन तीन डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इधर इन सब में, अब सब में ही हम तीन तीन डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए गाइस ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसको एक दो तीन तीसरे में ले जाके हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्लिप स्टिच करने के बाद इस ऊन को हम यहीं पर छोड़ देंगे, दूसरी ऊन लेंगे इसको यहाँ से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से, और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, एक दो और ये तीन, तीन चैन लेने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसके हम पीछे से देखिए फ्रंट पोस्ट क्रोशिया करेंगे, इसको आगे से पीछे ले जाएंगे और क्रोशिया को ये देखिए इस तरीके से ले जाएंगे, और ये जो हमारा क्रोशिया है इसको हम इसमें ले जाएंगे और वापस ऊन को इस तरीके से लाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट क्रोश डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। ये देखिए गाइस दूसरी डबल क्रोशिया में मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरीके से इसके पीछे से क्रोशिया को यूँ ले जाएंगे आगे की तरफ और फिर से वापस लाएंगे हम इस तरीके से, तो फ्रंट पोस्ट क्रोशिया हमारा बनेगा देखिए इस तरीके से, और ये ऊन हमारी ऐसे आएगी, ये देखिए ऐसे ले जाएंगे फिर वापस ऊन को लेंगे और इस तरीके से सब सब जितने भी हमारी ये डबल क्रोशिया हैं उन सब में हम इसे ऐसे ही करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जितनी भी हमारी सारी चेन है डबल क्रोशे हैं, सॉरी डबल क्रोशे को हम इसमें डबल क्रोशे ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करते जाएंगे, ऐसे इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम इससे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम इससे जॉइंट कर देंगे और ये हमारी रॉ कंप्लीट है इधर से। अब इसको हम दूसरी वाली ऊन लेंगे, देखिए देखिए गाइस ये नीले कलर की ऊन मैंने ले ली है इसे, और इसको मैं अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसको इस तरीके से ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये एक चैन और ये दूसरी चैन इसको स्किप करके हम तीसरे में, ये देखिए एक और दो को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, ये आठ डबल क्रोशिया मैंने एक ही चैन में डाले हैं, एक और दो को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में इसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर दो को स्किप करेंगे, एक दो को स्किप करेंगे और तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम दो चैन को छोड़ के तीसरी में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस ये मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे अब इसको। कट करने के बाद इसको हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से हम इसे गीट मार देंगे, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, और आपको जो भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में करके
पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। राधे राधे।